तो हेलो गाइस, मैं हूँ निशान। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक हाथ मतलब एक उंगली से आप बुक को कैसे घुमा सकते हो गाइस मेरी तरह। तो गाइस, आपको बेसिकली तीन स्टेप बताऊंगा। तो गाइस, तीन स्टेप में आप कैसे कर सकते हो। तो पहला स्टेप गाइस ये है कि आपको गाइस मिडिल फिंगर से करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा दम होती है आपके। तो क्योंकि गाइस इससे ही करेंगे, तो जैसे गाइस हम इससे करेंगे, जैसे मैंने ये ले लिया, तो इससे ज़्यादा फोर्स नहीं जाएगा आपने मेरे को तब प्रैक्टिस है इसलिए। तो गाइस आप शुरुआत बिगिनर्स होना तो इसी से करो, ये आपके लिए बेटर होगा। गाइस स्टेप टू, जब भी आप गाइस घुमाएंगे से, जैसे आप अभी घुमा रहे हो, ये तो अभी मैं सिखाऊंगा, तो अब जब घुमाओ पहले आपका ये गिर जाएगा ऐसे। तो जब भी आप गिरे ना ऐसे उस टाइम हाथ को ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे घुमाना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना ऐसे घुमाना। तीन एक दिन बाद जैसे आप सीख रहे हो, तो पहले दिन तो ऐसा आपको लगेगा नहीं गिर जाएगा, तो एक दिन बाद आप करोगे तो आपके इम्प्रूवमेंट आएगा। वैसे जैसे गाइस ऐसे करोगे तो गाइस जैसे कि बुक गिरती है ना वैसे गिरेगी नहीं। देखो ऐसे 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 यहाँ पे गाइस गिरेगी, ऐसे ही आपका होगा धीरे धीरे। और गाइस तीसरा स्टेप ये है कि गाइस जो भी आपके हाथ है एकदम उंगली टाइट रखना, क्योंकि गाइस और किताब भी ऐसे रहना कि जैसे ये वाली है ऐसे मत लेना। इसकी मेरे पास ये है, मैंने ये कर लिया पीछे से, सब सीधी होगी। अब देखना गाइस, अब गाइस देखो मैं हाथ हिला रहा हूँ तो कैसे एक ही जगह नीचे नहीं गिर रही। गाइस यही आपको सिखाना है, सीखना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।